हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब? क्या आप खेलना चाहते हैं प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक? क्या आपके प्ले स्टोर पे ये गेम आपको मिल नहीं रहा? तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये गेम आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ प्ले स्टोर ओपन करके, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा आपके प्ले स्टोर में भी। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च पे क्लिक करना है और लिखना है प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक, और यहाँ पे आप देख लेना कोई इस नाम से आता है कोई गेम। आप कितना भी कोशिश कर लो, ये गेम यहाँ पे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर ने इस गेम को हटा दिया है प्ले स्टोर से, इसलिए हम ये गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें अल्टरनेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम चलेंगे क्रोम में। तो आपको फटाक से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च के अंदर लिखना है डाउनलोड ब्लड स्ट्राइक एपीके। यहाँ पे आगे मैं प्रोजेक्ट भी लिख देता हूँ ताकि आसानी से हमको वही गेम मिले। यहाँ पे गैस ये सब लिख के आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर भी मिल जाएगा, मगर जब आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा एरर मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं क्योंकि प्ले स्टोर से तो ये डाउनलोड होनी ही नहीं है। तो सबसे पहले वाले लिंक में चले जाते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट पे ये गेम ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर हम पहली वाली साइट में से जाके डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे इस साइट पे थोड़ा एरर आएगा। इस साइट का नाम है apk.com। यहाँ पे मैं इसका प्रमोशन नहीं करता, ये बिल्कुल इलीगल वे है गाइस, तो इसका कोई मेरा जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ गया है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई है, मगर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो apk फाइल है, आपको ये सब स्टेप फॉलो करना नहीं है। ये सब उसके लिए स्टेप है जो apk और apk.sobb फाइल जो डाउनलोड करते हैं उनके लिए ये स्टेप्स है। मगर गाइस, हमने तो सिंपल apk फाइल डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसको इंस्टॉल करनी। तो कैसे करते हैं गाइस, बस मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल वैसे के वैसा करते जाइए। यहाँ पे गाइस हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये गेम डाउनलोड होने लगेगा, बस खाली एक क्लिक पे। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डाउनलोड के अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि मेरा गेम डाउनलोड होने लगा या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 GB का ये गेम है, ठीक है, apk.com से ही मैंने डाउनलोड पे रखा है आपके नज़रों के सामने। अगर आपको कोई एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 1.5 GB का गेम है, यहाँ पे 6 मिनट तक हमको रुकना पड़ेगा। जब तक ये 6 मिनट हो जाता है तब तक आप म्यूजिक सुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोई वीडियो कट नहीं करा, बस थोड़ा वीडियो को भगा दिया है और हमारे यहाँ पे 6 मिनट होने आया है, बस चंद सेकंड बाकी है।
पूरा गेम डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका इंस्टॉल का प्रोसेस एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है। कैसे इंस्टॉल करना है आपको मेरे वीडियो को बस फॉलो कीजिएगा, आपका गेम इंस्टॉल और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले गेम को खेलना भी कैसे है। गाइस इसको खाली इंस्टॉल करने से ये गेम नहीं चलने वाला, इसके लिए एक सीक्रेट आपको एक वेपन दूंगा, एक आपको टूल्स दूंगा, उससे ये गेम एकदम इजी तरीके से आपके मोबाइल में चलने लगेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये जो गेम है वो कंप्लीट हो गया है डाउनलोड के लिए, बस इस पर क्लिक करके हमको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे नीचे आ गया इंस्टॉल का बटन, हमने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया है। अब ये गेम इंस्टॉल होने लगा है, 1 GB का गेम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा इंस्टॉल होने में। और गाइस यहाँ पे ये देखो हमारा गेम इंस्टॉल हो गया है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और जो एरर आती है आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी तक तो ये गेम सही जा रहा है, कोई एरर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा। यहाँ पे कनेक्शन टू द सर्वर प्लीज वेट का हमको सामने एक मैसेज लिख के आ रहा है और कुछ चीज डाउनलोड हो रही है। चलिए डाउनलोड हो जाने देते हैं, 343 MB की ये चीज़ है। यहाँ पे डाउनलोड रिसोर्सेस का है जो वो है 343 MB का, स्पीड भी मेरी अच्छी है, 3-4 MBPS आती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस वीडियो को 4x स्पीड कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो इंटरनेट का डेटा है वो भी खर्च ना हो फालतू में, क्योंकि अभी इस गेम को आपको डाउनलोड करना है और इसी तरह रिसोर्स भी आपको डाउनलोड करना है, कम से कम इसके लिए आपको 1.5 GB तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस देखो 96% हमारा गेम डाउनलोड हो गया है और ये पूरा का पूरा रिसोर्स पैक हमारा डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे हमको एरर आया, सो कनेक्शन प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस यहाँ पे पहला एरर हमको मिल चुका है, हमारा यहाँ पे जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो ये गेम डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा गौर से देखें। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो फेसबुक और गूगल से जो लॉगिन का पेज है वो भी थोड़ा ग्लिच टाइप आ रहा है। यहाँ पे हम जब एंटर द स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से वही एरर शो हुआ, इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए बोल रहा है ये गेम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में भी यही सेम हमको एरर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ यानी कुछ नहीं दिख रहा, सब ग्लिच दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप सारे सर्वर भी ग्लिच दिख रहे हैं। तो इस सबको क्लोज करके यहाँ पे साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ एक रिपेयर लिखा हुआ है साइड। यहाँ पे गए ये सब चीज़ तो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे जो साइड की ये जो चीज़ है रिपेयर, एक बार इस पर भी क्लिक करके देख लेते क्या होता है। गाइस यहाँ पे मैंने कंफर्म जैसे ही किया यहाँ पे इसने मेरे को क्रोम ब्राउजर के अंदर फेंक दिया, मगर हमको क्रोम ब्राउजर का कोई काम नहीं है क्योंकि हमने गेम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे इस सारी चीज़ मैं पहले तो हटा देता हूँ मेरे टास्क बार से और फिर से एक बार आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ कि ये गेम ऑन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जो हमारा वो ग्लिच वाला एरर जो था वो गया के नहीं, यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो गाइस कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग ऑलरेडी हो चुका है वही सभी चीज़ें लिख के आ रही। यहाँ पे फिर से चेकिंग कनेक्शन और यहाँ पे लोडिंग होने लगा है, कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही है, कुछ और रिसोर्सेस डाउनलोड हो रहे हैं और ये इस बार 1.5 MB के थे वो भी फटाफट से डाउनलोड हो गए। यहाँ पे 100% हमारा लोडिंग हो गया है और यहाँ पे फिर से हमको वही नोटिस देखने के लिए मिल गया, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है और वही प्रॉब्लम हमको अभी आ रहा है, मतलब जो ग्लिच वाला प्रॉब्लम था वो चला गया। यहाँ पे अब हम साफ साफ देख सकते हैं लॉगिन करने का जो पेज है, फेसबुक से लॉगिन करना है, गूगल प्ले से लॉगिन करना है, वो सब कुछ तो हमको दिख रहा है, मगर ये एरर नहीं जा रहा। क्योंकि जब तक ये एरर नहीं हटेगा तब तक गाइस हम नहीं खेल पाएंगे, इसके लिए हम अब यूज़ करेंगे VPN। मेरे पास ऑलरेडी ACMA VPN है, आप कोई सा भी फ्री VPN यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कौन सा आप फ्री VPN यूज़ करें आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्ले स्टोर की लिंक दूंगा, आप वो वाला VPN यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने सिंपल सा VPN ऑन किया है और यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट यानी कि जो गेस्ट मोड है वो लॉगिन मैंने कर लिया है। यहाँ पे गाइस एंटर द गेम पे भी मैंने क्लिक कर दिया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, गेम स्टार्ट होता है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने, जरा सा मैंने वीडियो स्किप नहीं करा और यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट
हो गया है और जो वो कनेक्शन का एरर आ रहा था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे मैं अपना जो निक नेम है वो लिख देता हूँ प्रो गेमर, और गाइस प्रो गेमर्स लिख के हम कर देते हैं कंफर्म पे क्लिक, और यहाँ पे फिर से एक लोडिंग आने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम टू द ट्रेनिंग मिशन। गाइस हमने ट्रेनिंग मिशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या ट्रेनिंग है। यहाँ पे सिंपल सा ही ट्रेनिंग होगा, तो गाइस अब आपको समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। गाइस यहाँ पे वही बक्चो दिए, इससे बंदूक की गोलियां फूटेगी, यहाँ पे एम लेगा, ये सब है बस और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये सब तो आप कर ही लोगे। जो मेरा काम था वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, कहाँ से गेम डाउनलोड होगा, कहाँ से गेम इंस्टॉल होगा, और जो गेम में जो एरर थे सारे के सारे मैंने कवर कर लिए। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस गेम के बारे में तो आप मेरे को कॉमेंट में लिख सकते हैं। अगर मैंने कहाँ से ये गेम डाउनलोड करा उसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कभी भी कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो गाइस आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।